जैसा कि आप सबने भी देखा किस प्रकार से शुरुआती दो T20 मुकाबले में कड़ी टक्कर देते हुए जीत हासिल करी थी, बावजूद इसके तीसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एक खुशी की बात यह थी कि सीरीज तो अपने नाम कर ली, लेकिन एक दुख की बात यह थी कि तीसरा T20 हार गई। वो कैसे? आखिर इस पर चर्चा होनी भी चाहिए थी, तो कोहली ने खुद सामने आकर बड़ा खुलासा किया था। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने भारतीय टीम के DRS लेने में देरी के कारण जीवनदान हासिल करने के बाद 30 महत्वपूर्ण रन बनाए, जो आखिर में निर्णायक साबित हुए, क्योंकि दोस्तों 12-13 रन से ही हारी थी और कप्तान विराट कोहली ने इस तरह की गलती को अस्वीकार्य करार दिया। ऑस्ट्रेलिया पारी के 11वें ओवर में नटराजन की गेंद वेड के पैड पर लगी थी, अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। भारतीय टीम ने कुछ देर चर्चा के बाद अपील करने का फैसला किया और अंपायर से DRS का संकेत दिया। कोहली ने DRS लेने का फैसला उस समय किया जब 15 सेकंड का समय सीमा बीत चुका था और इसके बाद बड़ी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाना शुरू हो गया था। अब चूंकि कोहली ने समय से DRS रिव्यू नहीं लिया था, इसलिए कोहली का अनुरोध, यानी कि जो कोहली ने कहा था कि मैं DRS लेना चाहता हूँ, वो माना नहीं गया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वेड ने तुरंत ही इस पर आपत्ति जताई, क्योंकि DRS लेने के लिए तय 15 सेकंड का समय समाप्त हो चुका था। तो ऐसे में मैथ्यू वेड भी यही सोच रहे थे कि चलो आज तो बच गए। इसके बाद DRS लेने का फैसला पलट दिया गया। कोहली ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में, यानी कि जो उनसे बातचीत होती है, इंटरव्यू होता है, उसमें सीधी तौर पर बात कही। वो कहते हैं कि वह सीधी गेंद थी और साफ LBW थी, लेकिन हम तब भी चर्चा करते रहे क्योंकि गेंद लेग साइड की तरफ जा रही थी और फिर रिव्यू का फैसला किया, लेकिन एम्पायर ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रबंधन के तौर पे हमारा मानना है कि इस तरह की गलतियां, यानी देर से फैसला करना, शीर्ष स्तर पर नहीं की जा सकती है। किसी महत्वपूर्ण मैच में ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। TV रिप्ले से पता चला कि LBW का फैसला भारत के पक्ष में ही जाता, लेकिन भारत को ये बात आखिर में अकड़ रही थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन से मैच जीता था, जबकि वेड ने उस जीवनदान के बाद ही अपने स्कोर में 30 रन जोड़े थे, वो भी तेजी से खेलते हुए। बताते चले कि अंतिम T20 मैच में भारत ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया, लेकिन फैसला सही था, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज ज़्यादा धुआंधार पारी नहीं खेल पाए और कोहली ने भी इस गलती को स्वीकार किया कि उन्होंने वो रिव्यू काफ़ी लेट से लिया था, लेकिन उसके बावजूद एम्पायरिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ये वाक्य होते रहते हैं मैदान पर जो इस समय घटा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।